जो लोग जुलूस में थे जिन्हें देखा गया, जो इनपुट हमारे पास है, इंटेलिजेंस है, उसके आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, सभी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल जिन लोगों ने उपद्रव मचाया है शहर में, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। जो ऑर्गेनाइज़र थे, जिन्होंने जो है वो प्लान किया है पूरा जुलूस, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। सुना आपने इस बाइट में, एसएसपी इस पूरे मामले में सीधे तौर पर दंगे के लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिन्होंने शोभा यात्रा का आयोजन किया, और साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं इस बाइट के अंदर एसएसपी साहब कि हम दंगाइयों के खिलाफ, उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने इसका आयोजन किया, और जो लोग इसमें शामिल थे, इस शोभा यात्रा में जो लोग भी शामिल थे और जिनके फुटेज हमारे पास आ चुके हैं, वीडियो आ चुके हैं, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एक बार और आपको सुनवाना चाहूंगा पूरी बाइट एसएसपी साहब की। जो लोग जुलूस में थे जिन्हें देखा गया, जो इनपुट हमारे पास है, इंटेलिजेंस है, उसके आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, सभी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल जिन लोगों ने उपद्रव मचाया है शहर में, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। जो ऑर्गेनाइज़र थे, जिन्होंने जो है वो प्लान किया है पूरा जुलूस, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। तो सुना आपने, जिस तरह से रामनवमी के दिन बिहार के कई इलाकों में दंगा भड़का, ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि बाकायदा इसकी प्लानिंग की गई थी। सासाराम में कल जाना था अमित शाह को, यानी इस दंगे के दो दिन बाद प्लांड रैली थी सासाराम में अमित शाह की। सासाराम का जो पूर्व विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का, जो पांच बार विधायक रह चुका है, इस बार उनकी सीट चली गई थी। और ऐसी जगह जहां के माहौल के बारे में यह बताया जाता है, खासतौर से सासाराम की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा भाईचारा हिंदू और मुसलमानों में है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जिस तरह से दंगा भड़काने की न सिर्फ कोशिश की गई बल्कि कामयाब भी रहे हिंदुवादी संगठन, और अब जिस तरह के शॉर्ट्स वहां से आ रहे हैं कि कुछ परिवारों ने पलायन किया है, दोनों ही परिवार हैं, उसमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, लेकिन इस तरह के हालात होने के बाद रैली तो कैंसिल कर दी गई, लेकिन उसके बाद ये बात सामने आ रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बिहार को जलाना कौन चाहता है। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब से रामनवमी के बाद बिहार में दंगा भड़का है, खासतौर से नालंदा में, बिहार शरीफ में और सासाराम में, तो बड़े बड़े चैनल्स के एंकर्स जो आपको स्टूडियो में बैठते हुए रात को, शाम को प्राइम टाइम शो करते हुए नजर आते हैं, वो माइक लेकर के बिहार पहुंच गए हैं। अंदाजा लगाइए आप, दंगा होता है 12-24 घंटे के अंदर तुरंत दिल्ली से रिपोर्टर फ्लाइट पकड़ करके स्थल पर पहुंच जाते हैं, और फिर शुरू होता है खेल सरकार को बदनाम करने का, सरकार पर आरोप लगाने का, और फिर यह बताने का कि यह सारा दंगा जो भड़काया गया है वो मुसलमानों के जरिए ही भड़काया गया है, अगर मुसलमानों ने पत्थरबाजी नहीं की होती तो फिर यह दंगा नहीं भड़कता। दो दिन से यही चला रहा है मेनस्ट्रीम मीडिया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि एक तरफा रिपोर्टिंग, दर्जनों वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आपने हमारी स्टोरीज में भी देखा होगा कि किस तरह से शोभा यात्रा के बाद वहां पर हालात खराब हुए, 10,000 के करीब शोभा यात्रा में हिंदुवादी संगठन के लोग थे, और दंगा कैसे भड़का आपने देखा, मदरसे को आग के हवाले किया गया, वो मदरसा जो एक तारीखी मदरसा है, कई सौ साल पुराना मदरसा है, बहुत सी नायाब किताबें इस मदरसे की लाइब्रेरी में थी, बहुत से नायाब कुरान के नुस्खे इस लाइब्रेरी में थे। नालंदा दुनिया की एजुकेशन के मामले में अगर बात की जाए तो दुनिया के पहले नंबर पर आता है नालंदा, यानी सबसे पहले अगर कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में कायम की गई थी तो वो नालंदा है, कई हजार साल पुरानी यूनिवर्सिटी के वहां पर बाकियात मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के भारत आने के बाद यहां पर भी मुसलमानों ने इल्म का चिराग बुलंद किया, मदरसा अजीजिया को आपने देखा 400 साल पुराने बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत सारी नायाब किताबें, नायाब
अहदीस की किताबें, नुस्खे कुरान के बहुत पुराने जो नायाब हैं, उन तमाम को नज़र आतिश कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है, वो गोदी मीडिया जो 12 घंटे के बाद वहाँ पर पहुँच जाती है, ऐसे ही कार्रवाई आप देख रहे हैं, हावड़ा में लगातार मीडिया बनी हुई है और इन दोनों खबरों को लगातार तमाम मेनस्ट्रीम मीडिया के जरिए बार बार चला करके मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों ने ही दंगा भड़काया, मुसलमानों ने ही पत्थर चलाया, अगर मुसलमानों ने पत्थर ना चलाया होता तो ये दंगा नहीं भड़कता। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, रामनवमी के दिन ही गुजरात में आपने देखा, वडोदरा में जो दंगा भड़का, किस तरह से मस्जिद के सामने पत्थर बरसाए गए, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाए, और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई पुलिस के जरिए वहां पर की गई, घरों में अफ्तार के वक्त घुस करके जिस तरह का आतंक मचाया गया, अफ्तारी फेंक दी गई, मुस्लिम महिलाओं तक को गिरफ्तार किया गया, जिसके शॉर्ट्स अब सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं और यह दिखाया जा रहा है कि इनकी महिलाएं भी पत्थर चलाती हैं। तो सवाल खड़ा होता है, वहां यह गोदी मीडिया क्यों नहीं पहुंची? जिस तरह से आपने देखा श्वेता सिंह आज तक की प्राइम शो की एंकर वहां पर पहुंच करके जिस तरह की खबरें चला रही हैं, नालंदा पहुंच करके, बिहार शरीफ पहुंच करके, इस तरह के रिपोर्टर्स, इस तरह के एंकर प्राइम टाइम शो के गुजरात क्यों नहीं पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब सब समझ चुके हैं, मीडिया का खेल पूरी तरह से उजागर हो चुका है, सब जान चुके हैं कि किस तरह से ये लोग प्लांड खबरें चलाते हैं, तुरंत ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, अगर हालात ख़राब होते हैं तो उसके बाद हिंदुओं को वरगलाने की कोशिश की जाती है ताकि उनका वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराया जा सके। 2024 में बीजेपी को लग रहा है कि बिहार में सफाया हो जाएगा, जिस तरह से दोनों ही RJD और JDU मिल गए हैं, सरकार चला रहे हैं, ऐसे में उनको इतना बदनाम कर दो, हिंदू मुस्लिम का कार्ड इस तरह से खेलो, उनको ये बताने की कोशिश करो ताकि वो ये कहें कि अगर इनकी सरकार है तो हम हिंदू जो है महफूज नहीं हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस की बाइट भी आपने सुनी, यहाँ के दृश्य भी आपने देखे, गोदी मीडिया का खेल भी आपने देखा, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को ही ज़्यादा संख्या में गिरफ्तार किया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है, वो पुलिस जो अपनी बाइट में ये कहती है कि शोभा यात्रा के दौरान दंगा भड़काया गया, आयोजकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, ये वर्ड है SSP साहब के, लेकिन उसके बावजूद जो ग्राउंड से बात हमारी हो रही है रिपोर्टर्स से, उनका ये कहना है कि गिरफ्तारियाँ ज़्यादा तादाद में मुसलमानों की हो रही हैं, मदरसे जलाए गए, घर जलाए गए, लूटपाट की गई शोरूम से मुसलमानों के, LED एक एक बंदा दो दो तीन तीन LED लेकर के वहां से भाग रहा है, उसके बाकायदा CCTV फुटेज सामने आ गया है, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारियां किसकी हो रही हैं, सिर्फ मुसलमानों की। तो सवाल बड़ा खड़ा होता है, वो लोग नीतीश कुमार जो बार बार बयान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव तेज प्रताप का एक ट्वीट मेरी निगाह से गुजरा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, तो सवाल यह खड़ा होता है कि पीड़ित भी मुसलमान हैं, दुकानें भी उनकी जलाई गई, मदारिस भी उनके जलाए गए, मस्जिद भी उनकी जलाई गई, दुकानें भी उनकी लूटी गई और गिरफ्तारियां भी उन्हीं की हो रही हैं। अब सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि सेकुलरिज्म का दम भरने वाली ये पार्टियां JDU, RJD, कांग्रेस, इन तमाम लोगों की जिस तरह से वहां पर सरकार है, तो निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, तमाम वीडियोज मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद एक तरफा कार्रवाई कहीं ना कहीं इनके सेकुलरिज्म पर सवालात खड़ा करती है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, अगर आप ये वीडियो फेसबुक कर देंगे तो पेज को लाइक करना, फॉलो भी करें।